तो ये रहा मेन यूनिट जो फ्लैशर है, ये सिमटेक का है और ये जो है जेनेरिक कंपनी का है। तो दोनों ही लगा के देखेंगे कि किसका ब्राइटनेस ज़्यादा है आप लोगों ने। तो वेरी गुड मॉर्निंग, मैं आपका दोस्त मिलन माझी एक बार फिर से वेलकम करता हूँ माझी मोटो ब्लॉग के एक और नए वीडियो में। और दोस्तों आज की इस वीडियो में अपने अपाचे आईटी 164 भी में हैजर्ड फ्लैशर जो है वो इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। जिन लोगों को हैजर्ड फ्लैशर के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है उनके लिए बता देता हूँ कि हैजर्ड फ्लैशर में क्या होता है। जो चारों चार इंडिकेटर है वो एक साथ ब्लिंक करता है और अलग अलग पैटर्न में ब्लिंक करता है। तो ये जो हैजर्ड फ्लैशर मैंने ऑर्डर किया है ये सिमटेक की तरफ से है और ये लेटेस्ट मॉडल है 6.0। सिमटेक का अपाचे आईटी 164 भी या फिर 2 भी के लिए जो है तीन मॉडल आ जाता है। जो पहला मॉडल है वो है 2.0, 2018 साल के पहले जो भी बाइक्स हैं उनके लिए कंफर्टेबल है। और जो दूसरा मॉडल है वो है 4.0, उसमें क्या है वो स्विचलेस है, मतलब कि स्विच की कोई भी ज़रूरत नहीं, राइट लेफ्ट टर्न इंडिकेटर जो स्विच है उसी से वो कंट्रोल हो जाता है। और जो लेटेस्ट मॉडल है ये है 6.0, इसमें कुछ ज़्यादा फैसिलिटी आप लोगों को मिल जाता है जैसे कि ओवरराइड फैसिलिटी, ठीक है वो क्या है मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगा। और इसमें जो है एक अलग तरह का स्विच आप लोगों को देखने को मिल जाता है। और ये जो हैजर्ड फ्लैशर है ये BS6 बाइक्स के लिए कंफर्टेबल है। और इसके साथ साथ मैंने सिमटेक की तरफ से LED बल्ब्स भी ऑर्डर किया है क्योंकि ये जो बाइक है इसमें जो इंडिकेटर बल्ब्स आता है वो हैलोजन बल्ब्स आता है, तो हैलोजन बल्ब्स जो है हैजर्ड फ्लैशर के साथ उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। तो चलिए दोस्तों पूरा का पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस आप लोगों को दिखाएंगे। और तो वीडियो को पूरा देखना, पूरा देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल में जो है बाइक राइडिंग से रिलेटेड, बाइक मॉडिफिकेशन से रिलेटेड वीडियोज़ रेगुलरली आता रहता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है सिमटेक का हैजर्ड फ्लैशर का पैकेट, कुछ इस तरीके के पैकेट में आता है। तो चलिए इसको खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर जो है हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। तो ये रहा मेन यूनिट जो फ्लैशर है, इसके साथ साथ हमें मिल जाते कुछ कर्ड्स वगैरह। चलिए देखते हैं पहले कर्ड्स में क्या है। तो ये रहा वारंटी कार्ड, ये सिमटेक के कुछ स्टिकर्स, बस यही सब। इसको रखते हैं साइड में और देखते हैं कि और हमें क्या कुछ अंदर देखने को मिलता है। बाइक में जो स्टॉक फ्लैशर है उसको कट करने के लिए, मतलब कि डायरेक्ट जो है ये फ्लैशर से बाइक का जो इंडिकेटर है उसको ऑपरेट करने के लिए ये डायरेक्ट करना पड़ता है, तो उसके लिए एक रिले दिया जाता है जो कि अपने बाइक में इसको इंस्टॉल करने के टाइम काम आ जाएगा। और ये कुछ जिप टाई दिया गया है और इसके अंदर एक मास्क हमें देखने को मिल जाता है। इसके नीचे जो है ये देखिए, ये अर्थिंग, हमें अर्थिंग देना पड़ता है। और ये है इसका स्विच, ये पुश बटन स्विच है, इसको पुश करने से जो है हैजर्ड फ्लैशर ऑपरेट होगा। और इसके बाद जो हमें मिलता है ये है कनेक्टर, जिससे कि हम हैजर्ड फ्लैशर को अपने बाइक के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो मैं करूंगा दोस्तों वो है ये स्विच को इंस्टॉल करूंगा, क्योंकि स्विच को पहले इंस्टॉल करना अच्छा होगा, उसके बाद जो है हम इसको अपने बाइक के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये जो स्विच है मैं बाइक के हैंडल के यहाँ पर जो है मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ। ये पोजीशन सबसे मुझे बेस्ट लगता है राइट साइड में, अगर आप चाहो तो उसको लेफ्ट साइड में भी इंस्टॉल कर सकते हो। इसको इंस्टॉल करना दोस्तों थोड़ा सा ट्रिकी है, तो हो जाएगा, उतना कुछ मुश्किल काम नहीं है। सही से बैठा लो और नीचे से जो है स्क्रूज टाइट कर दो। स्विच जो है दोस्तों फाइनली इंस्टॉल हो गया। इसका डिज़ाइन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, लेकिन इसका जो प्लास्टिक क्वालिटी है वो मुझे कुछ खास नहीं लगा दोस्तों। दोस्तों एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा था तो तभी जो है मुझे ये चारों इंडिकेटर बल्ब जो है डिलीवर हुआ है। ये सिमटेक का है और ये जो है जेनेरिक कंपनी का है। तो ये मैंने पहले ऑर्डर किया था जेनेरिक वाला, तो किसी वजह से मुझे डिलीवर नहीं हुआ, लेट हो गया, तो मुझे रिफ़ंड भी मिल गया। और इसका प्राइस है 380 रुपये चारों इंडिकेटर का, और ये जो सिमटेक का है इसका प्राइस है 600 रुपीज़। तो आप डिफरेंस देख सकते हो,
कौन सा अच्छा होगा पता नहीं, लेकिन इसमें जो है बल्ब्स की काउंटिंग ज़्यादा है, इसमें 15 बल्ब मिल जाता है, इसमें एक साइड में जो है 9 बल्ब्स देखने को मिलता है। तो दोनों ही लगा के देखेंगे कि किसका ब्राइटनेस ज़्यादा है, आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलिए फ्लैशर को इंस्टॉल करते हैं। और फ्लैशर को इंस्टॉल करने के लिए हमें ये दो स्क्रू जो है हेडलाइट का वो खोलना पड़ेगा। सो दोस्तों, ये दो स्क्रू खोलने के बाद इस हेडलाइट को लूज़ करने के लिए हमें यहाँ पे जो दो नट है, इस साइड एक है और उस साइड अलग एक है, ये दो नट जो है हल्का सा ढीला कर देना है, फिर जो है ये हेडलाइट का पोर्शन पूरा नीचे की तरफ आ जाएगा और हमारी जो वायरिंग वगैरह है वो सब क्लियर हो जाएगा। तो नीचे का दो नट और ये दो स्क्रू खोल देने के बाद ये देखिए हेडलाइट का पोर्शन जो है कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ झुका देना है। हेडलाइट को खोलने के बाद हमारा जो इंडिकेटर का कनेक्टर है वो हमें मिल गया है, तो मल्टी कलर में। यहाँ पे जो 6 पिन वाला ये कपलर है तो इसको खोलना है सबसे पहले। तो चलिए इसको खोल लेते हैं। इसको खोलने के लिए बस यहाँ से थोड़ा सा इसको प्रेशर देके जो है इसको खोलना है। ये देखिए ये जो कपलर है ये बाहर निकल गया, यहाँ पे आप देख सकते हो 6 पिन है। ठीक है दोस्तों, तो हमें जो कपलर मिलता है सिमटेक की तरफ से वहाँ पर भी 2 पिन मिल जाता है, जहाँ पर मेल फीमेल 6 कनेक्टर है, तो उसी को हमें कनेक्ट करना है बस। तो ये देखिए ये फीमेल वाला पोर्शन है, इसको हम यहाँ पे फिट कर देते हैं। तो ये चला गया इसके अंदर, ये हो गया फिट इसके अंदर। अभी जो दूसरा वाला है जो यहाँ पे जो मेल वाला है उसको, जिसको हमने खोला उस फीमेल वाले से कनेक्ट करना है बस, कुछ इस तरीके से बस काम हो गया। अभी जो इसका जो दूसरा एंड है यहाँ पे फिट हो जाएगा, हमारा जो फ्लैशर का मेन यूनिट है वो फिट हो जाएगा। तो बस ये हो गया फिट, बस इतना सा ही काम है। इससे हमें अर्थिंग देना है, बाइक में कहीं पे भी अर्थिंग देना है तो ही जो है ये फ्लैशर काम करेगा। और ये दूसरा वाला जो है इससे हमारा स्विच जो कनेक्ट होगा, स्विच जो हमने लगाया है पहले ही, स्विच को हम इससे कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये लग गया हमारा पूरा का पूरा फ्लैशर यूनिट। और अभी जो है ये वायरिंग वगैरह आप जिप टाई से अच्छी तरीके से, यहाँ से जिप टाई से जो है अच्छी तरीके से बांध सकते हो। और ये जो फ्लैशर है इसको भी यहीं पे कहीं पे जो है आपको अच्छी तरीके से रख देना है, चाहे तो आप इसको टेपिंग भी कर सकते हो, चाहे तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हो। तो ये जो पोर्शन है इसको बंद करने से पहले हमें टेस्ट कर लेना है, और उससे पहले ये जो रिले है हमें डायरेक्ट करना है सबसे पहले, और यहाँ से जो है अर्थिंग भी हमें देना है, तो अर्थिंग भी हम दे देते हैं। तो चलिए अर्थिंग का जो प्लग है उसको भी हम लगा लेते हैं यहाँ पे, ये देखिए लगा दिया। अभी ये जो अर्थिंग है ये कहीं पे अर्थिंग हम यहाँ पे दे देंगे। तो देखिए दोस्तों, रिले को जो है डायरेक्ट करने के लिए हमें ये प्लास्टिक का फ्रेम जो है इस राइट साइड में इसको खोलना पड़ेगा, क्योंकि इसी के अंदर छुपा हुआ है। तो चलिए इसको हम खोल लेते हैं फटाफट से। यहाँ पे जो है स्टॉक जो फ्लैशर था उससे ये कनेक्टेड था, तो अभी हम इसको डायरेक्ट कर देंगे दोस्तों। तो ये जो कनेक्टर हमें मिल जाता है ये कनेक्टर हम यहाँ पे लगा देंगे और कनेक्शन को डायरेक्ट कर देंगे। ये चला गया इसके अंदर। अभी जो है इसको अच्छी तरीके से टेपिंग कर देना है, अभी हमारे पास टेप नहीं है, तो बाद में मैं इसको जो अच्छी तरीके से टेपिंग कर दूंगा ताकि जो है कहीं पे भी शॉर्ट सर्किट वगैरह ना हो। तो चलिए अभी फ़िलहाल के लिए इसको यहीं पे फंसा देते हैं और हमारा काम हो गया। अभी हम टेस्ट करेंगे कि फ्लैशर जो है वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हम चाबी को ऑन करते हैं और देखते हैं कि हमारा फ्लैशर जो है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये हमने लगा दिया, अभी हम स्विच को प्रेस करेंगे एक बार। तो एक बार स्विच को प्रेस करने से देखते हैं कि फ्लैशर काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे जो है इसको सही से जो है अर्थिंग देना है, तभी जो है ये काम कर गई है। देखिए जब हमने अर्थिंग को यहाँ पे दे दिया तो फ्लैशर जो है वो काम करने लगा है। सो फाइनली जो है दोस्तों, फ्लैशर बाइक में इंस्टॉल हो गया है। अभी जो है मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट बाकी है बाइक का। ये जो बल्ब्स आप देख रहे हो ये है हेलोजन बल्ब्स, इसको खोल के हम एक में लगाएंगे सिमटेक का एलईडी बल्ब और दूसरे में लगाएंगे नॉर्मल जेनेरिक वर्जन का एलईडी बल्ब। तो देखेंगे कि किसका ब्राइटनेस ज़्यादा होता है, सिमटेक का या फिर नॉर्मल एलईडी बल्ब का। ये है सिमटेक का, यहाँ पर देखिए मेंशन किया हुआ है, सिमटेक लिखा हुआ है सिमटेक का एलईडी बल्ब, और ये है जेनेरिक वर्जन का एलईडी बल्ब। तो चलिए एक में लगाते हैं सिमटेक और दूसरे में लगाते हैं जेनेरिक वर्जन।
सो देखिए दोस्तों, जो लेफ्ट साइड है इसमें मैंने लगाया है जेनेरिक वर्जन का एलईडी इंडिकेटर बल्ब, एंड दूसरे में लगाया है जो सिमटेक का एलईडी इंडिकेटर बल्ब। तो चलिए अभी फ्लैशर को ऑन करते हैं और देखते हैं कि किसका ब्राइटनेस ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। तो चलिए एक बार मैं दरवाज़ा बंद कर देता हूँ, पूरा अंधेरा कर देता हूँ, उसके बाद फिर एक बार दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, फ़र्क आप क्या समझ पा रहे हो कुछ? सो फाइनली जो फ्लैशर है दोस्तों, वो मैंने अपने बाइक में इंस्टॉल कर लिया, और जो जेनेरिक वाला एलईडी बल्ब था वही मैंने अपने बाइक में लगाया, क्योंकि यही मुझे ज़्यादा पसंद आया। इसका ब्राइटनेस सिमटेक का उतना ख़राब नहीं है, लेकिन फिर भी जो है सिमटेक से ये वाला जो है इसका ब्राइटनेस मुझे ज़्यादा लगा। तो चलिए मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो है फ्लैशर को ऑपरेट करना है। तो फ्लैशर को ऑपरेट करने के लिए दोस्तों, हमें जो बटन मिलता है उसको एक बार लॉन्ग प्रेस करना है। सबसे पहले तो हम चाबी को ऑन कर लेते हैं। तो ये देखिए, फ्लैशर जो है मेरा पहले से ही ऑन है, तो लॉन्ग प्रेस करने से जो है फ्लैशर ऑन हो जाता है, और एक बार लॉन्ग प्रेस करने से फ्लैशर ऑफ हो जाता है। और फ्लैशर का जो मोड है वो चेंज करने के लिए, मतलब कि पैटर्न जो है उसको चेंज करने के लिए, हमें सिर्फ एक बार दबा देना है और पैटर्न जो चेंज हो जाता है। ये देखिए, इसमें आप लोगों को दोस्तों 40 पैटर्न देखने को मिल जाता है, डिफरेंट डिफरेंट 40 पैटर्न देखने को मिल जाता है। और जो ओवरराइड फीचर है वो कैसे काम करता है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मान लो कि आपका फ्लैशर जो है वो ऑन है, और किसी वजह से आपको इंडिकेटर देना है, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो लेफ़्ट राइट टर्न इंडिकेटर है उसको बस आपको ऑन कर देना है, और आपका फ्लैशर जो है वो बंद हो जाएगा और इंडिकेटर काम करने लगेगा, ठीक है। और फिर से जब आप इंडिकेटर को बंद कर देते हो तो आपका फ्लैशर जो है फिर से काम करने लगेगा। और एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये जो फ्लैशर है दोस्तों, ये नॉर्मली जला के रखना जो है इल्लीगल है। जब आप बाइक राइड कर रहे हो, ओनली हैज़र्ड या सिचुएशन, जैसे कि मान लो कि आपका बाइक में कुछ प्रॉब्लम हो गया, आप हाईवे के साइड में खड़े हो, या फिर बहुत ज़्यादा कोहरा हो, या फिर रेनी सीजन हो, तो उस टाइम में जो है आप इसको जला सकते हो। नॉर्मली आप इसको अगर जला के जाओगे तो अननेसेसरी अट्रैक्शन आपकी तरफ जाएगा और इसमें एक्सीडेंट हो सकता है, तो इसको अवॉइड ज़रूर करना। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।